हाँ भाई, आज मैंने सोचा कि आज आप लोगों से कॉस्ट ऑफ लिविंग के ऊपर बात करते हैं। इतना सारा सामान लेकर आया हूँ मैं गाइस। सबसे पहली बात कि मेरे को जर्मनी में आए हुए अब 6 मंथ से ज़्यादा हो गया, और यहाँ पर रह के बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। भाई का वजन भी कम हो गया, आप लोग देख सकते हो, हेयर स्टाइल चेंज हो गया क्योंकि बाल नहीं कटवा रहे हैं, और भी बहुत सारे मसले मसाए हैं। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहली कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पर जो होती है वो रेंटल क्यूब। सही है, रेंटल जो है वो बर्लिन जैसे शहर में, फ्रैंकफर्ट में, म्यूनिक में बहुत ज़्यादा है। अराउंड लाइक 500 आपको एक सेपरेट रूम मिलता है, 500 to 600, मे बी समटाइम्स 700, मे बी समटाइम्स 800। ठीक है, वो डिपेंड करता है लोकेशन पे और आपको क्या फैसिलिटीज़ मिल रही है। और अगर आप शेयरिंग पे रहते हो तो 300, 340, 350। सबसे बड़ा जो खर्चा है यही इंसान को मार देता है, क्योंकि रेंट जो है वो हर महीने आपको देना ही देना है। उसके बाद अगर आप छोटे शहरों में चले जाते हो तो वहाँ पर आपको 200 to 300 के दरमियान आप रेंट आराम से निकाल लेते हो। आफ्टर दैट नेक्स्ट पार्ट में अगर हम बात करें तो फूड की, फूड इज चीपर। ओके, जैसे कि आज मैं पोश वगैरह ये सारी चीज़ें लेकर आया हूँ, तो फिश लाइक अराउंड 18 यूरो, तो मुझे गाय का भी गोश्त मिल गया, बकरे का भी गोश्त मिल गया, सारी चीज़ें मिल गई, तो इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव। तो अगर मंथली ग्रॉसरी की बात की जाए तो 100 to 150 यूरोज़ जो है वो लगते हैं अप्रॉक्सीमेटली आपके फूड के ऊपर। उसके बाद आपकी इंश्योरेंस आ जाती है। अगर आपकी एज 30 से कम है तो आपको प्राइवेट इंश्योरेंस नहीं लेनी होती, आपको गवर्नमेंट की इंश्योरेंस लेनी होती है, जो कि TKG है, जो कि अराउंड 100 to 150 डिपेंडिंग अपॉन या लाइक व्हाट आर द फैसिलिटीज यू आर टेकिंग। ठीक है, उसके बाद जो मेन खर्चा आता है मोबाइल, और अगर आपके थोड़ा सा लेजर एक्टिविटीज़ कर लो तो जो इन्होंने 900 यूरो आपके ब्लॉक अकाउंट में रखवाए हैं एज अ स्टूडेंट, या अगर आप अपॉर्चुनिटी कार्ड पे भी आते हो तो तकरीबन 1000 यूरो इन्होंने रखवाए आई, वो इनको पता है कि आपके ये पूरे खर्च होने हैं, तो इससे कम में तो कोई गुजारा ही नहीं है। तो प्लीज़ इस चीज़ को नज़र में रखना, इसको जहन में रखना। और कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में अगर कुछ ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो कमेंट कर दो, आपको भाई जो है वो डिटेल बता देगा। तो दैट्स ऑल, सो फार सो गुड, अल्लाह हाफिज़।